हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंकल लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे फरवरी करंट अफेयर 2023 का फैक्ट, ताकि आपका रिवीजन हो सके और सभी एग्जाम में आपका हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं फरवरी के करंट अफेयर। तो पहला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं, 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। दूसरा है, 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? मेघनाथ देसाई। 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया? यूएई। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में संता कुंभ शुरू हुआ है? तेलंगाना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5%। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वर ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत। 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापट्टनम को की है। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल। 2 फरवरी 2023 को मैनुअला रोकाबोटो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? इक्वेटोरियल गिनी। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर मध्य प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को किसे नाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? एम सुबा रायुडू। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई। 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? देवलाली नासिक महाराष्ट्र। कौन से राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल। 3 फरवरी 2023 को जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश में शामिल होने का स्वागत किया है? तो कार्गो। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? सिक्किम। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? मध्य प्रदेश। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? एर्नाकुलम। 5 फरवरी 2023 को द पल्स कार्निवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। यायत्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? लद्दाख। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव बदलकर जगदीशपुर किया है? मध्य प्रदेश। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेन सिंगल्स का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविक सर्बिया। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा। 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डॉक्टर पेंगी मोहन। 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? बेंगलुरु।
6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया? इंडियन रेलवे। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? IIT मद्रास। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाव अभियान शुरू किया? गोवा। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर घोषणा किया? तेलंगाना। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश। 7 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्षता कौन चुनी गई है? अप्सरा अय्यर। 7 फरवरी 2023 को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई। 7 फरवरी 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार। कर्लिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति। 92। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत। 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता? राखी कपूर। 8 फरवरी 2023 को केनरा बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? TCS। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? पाकिस्तान। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को COVID-19 वैक्सीन की प्राथमिक खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। 9 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास इग्नू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2023 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? सलमान रुश्दी। 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? नताशा पेरियानागम। 9 फरवरी 2023 को UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो MobiQuick। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तमिलनाडु। 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार 6ठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? NTPC। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओ का बैठक कहाँ शुरू हुई है? अहमदाबाद। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोष शुरू किया है? तो भारत। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? अदिति अशोक। 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? PK रोजी। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 10वें शीर्ष स्थान जर्मनी। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? जो अकाबा। 11 फरवरी 2023 को मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मेट्री। 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? इटली। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो ABK प्रसाद। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? एयर इंडिया।
ग्यारह फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। किस देश में मूक मेंढक में नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किससे केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली। 13 फरवरी 2023 को हाल में किस देश के को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशस। 13 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? फिनलैंड। भारत का स्थान 136वां। 13 फरवरी 2023 को किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्कल को किया गया है। 13 फरवरी 2023 को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कटक। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो न्यूजीलैंड। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो तरुणदीप राय। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78। 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट MGov पुरस्कार प्रदान किया है? मिस्र। 14 फरवरी 2023 को पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आए? महाराष्ट्र। दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। 14 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली। 14 फरवरी 2023 को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? मुंबई। 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? स्मृति मंधाना। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रियाना बरनावी। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता। 14 फरवरी 2023 को डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मालडोवा। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस में 250 विमान हासिल करने की समझौता किया है? फ्रांस। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? लद्दाख। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला लिया है? तो महाराष्ट्र। 15 फरवरी 2023 को UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस की प्रेसिडेंट क्लर्क प्रदान किया है? तो हरियाणा। 15 फरवरी 2023 को कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? इक्वेटोरियल गिनी। 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार। 16 फरवरी 2023 को कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लद्दाख। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान वर्चुअली उद्घाटन किया है? राजस्थान। 16 फरवरी 2023 को किसने नेशन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई। 16 फरवरी 2023 को दुनिया का
दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई। 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कक्काटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोजन 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6वें चरण का शुभारंभ किया है? गुजरात। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? जापान। 17 फरवरी 2023 को कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो नील मोहन। 17 फरवरी 2023 की टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? चेतन शर्मा। 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैथोथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? BPRD। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएँ पहुँचाने का ट्रायल लिया है? एम्स ऋषिकेश। 18 फरवरी 2023 को OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? जापान। 18 फरवरी 2023 को कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? पंजाब। 18 फरवरी 2023 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MB सुरजिंद्र कुमार। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मानसिक धर्म अवकाश प्रदान करने का वाला कानून पारित किया है? स्पेन। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टेनली का रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.2%। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक। 19 फरवरी 2023 को UDI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट बॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। 19 फरवरी 2023 को किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीते हैं? कोल्लम केरल। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफको के नैनो यूरिया प्लांट उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर प्रदेश। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। 20 फरवरी 2023 को शाहबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टली कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ब्रेन स्टोक्स इंग्लैंड। 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2023 को किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? BBR सुब्रमण्यम। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता में किसे चुना है? रुचिरा कंबोज। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने वांगो 15 इंटर काउंसिलिंग बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। 21 फरवरी 2023 को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजित किया गया? जयपुर। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? सौराष्ट्र। बंगाल को 9 विकेट से हराकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है? तो गुजरात। 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? नागालैंड। 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। 22 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? जयपुर।
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? हरियाणा। 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 को किस फिल्म का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? ट्रिपल आर। 23 फरवरी 2023 को भारत के असमी ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विनिगेस एन आर। 23 फरवरी 2023 को विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? छत्तीसगढ़। 23 फरवरी 2023 को ISF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम गोल्ड जीता है? तो यह भारत। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। 24 फरवरी 2023 को अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों का बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? टाटा समूह। 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। 25 फरवरी 2023 को 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया है? बी मधुसूदन नायर। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? केरल हाईकोर्ट। 26 फरवरी 2023 को सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? एडिडास। 26 फरवरी 2023 को किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्बा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? सिएटल। 27 फरवरी 2023 को किसने मोदी सैम्पिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की? जेपी नड्डा। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र के कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद किसे नियुक्त किया गया है? अफसा खान। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स। 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता का समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चिंतामणि देशमुख स्टेशन। 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अजय बंगा, भारतीय मूल। 28 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 28 फरवरी 2023 को किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरी बाल कृष्णन। 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को हराकर। 28 फरवरी 2023 को बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हैदराबाद। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनम इस्माइल, दक्षिण अफ्रीका। 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेंदेव। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? प्रमोद भगत। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।